हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी का Y3। फ्रेंड, ये रेडमी का Y3 है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि यह फ़ोन चलते चलते अचानक से बंद हो गया। उसके बाद यह फ़ोन को मैंने ऑन करने की कोशिश की तो यह फ़ोन ऑन नहीं हुई। पर जैसे ही इस फ़ोन को हम लोग चार्ज पे लगाते हैं तो यह फ़ोन देख सकते हैं क्या होता है, आप देख लीजिए खुद से। जैसे हम लोग इसको चार्ज पे लगाते हैं तो इसमें रेडमी लिख के आता है, पर ये इससे आगे नहीं खुलती है और यहीं पर आती जाती रहती है। तो हम लोग एक छोटा सा रिपेयर करके इस फ़ोन का प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैं ओपन कर रहा हूँ उसी तरह से आप ओपन करें। स्क्रूप को भी खोल लेंगे, इसके सारे कनेक्शन को हम लोग डिसकनेक्ट कर देंगे। अब इस बैटरी को हम लोग रिमूव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस बैटरी को ही हम लोग आज रिपेयर करेंगे और यह फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बैटरी के ऊपर में एक छोटा सा कीबोर्ड लगा रहता है जिसमें से प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम लोग उसको रिपेयर करके इस फ़ोन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो यह स्टिकर लगी हुई इसके ऊपर, इसको हम लोग इस तरह से रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं किस तरह से मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप भी अच्छी तरह से इसे रिमूव करें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर में एक छोटा सा किट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इस पर हम लोग जम्पर लगाएंगे। कैसे? इस छोर से इस छोर पर एक जम्पर लगाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक जम्पर लगाएं। तो चलिए मैं आपको जम्पर लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से जम्पर लगाता हूँ। तो पहले मैं जम्पर लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाऊँगा कि इस पर जम्पर मैंने कैसे लगाया है। तो इस पर हम लोग पेस्ट लगा लिए हैं, ठीक है। अब सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे हम जम्पर लगाएंगे। जम्पर लगाने के लिए हम लोग जम्पर वायर ले लेंगे, ये है जम्पर वायर, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग जम्पर लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस के दोनों लेग को ट्राई सोल्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, जम्पर वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले छोर पर जम्पर लगा रहे हैं, ठीक है, लग गया। अब दूसरे छोर पर भी लगा रहे हैं, अच्छी तरह से लगा लेंगे, देख सकते हैं अच्छी तरह से जम्पर लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कनेक्ट हो, ठीक है। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से जम्पर लगा लेंगे, समय लगेगा तो आपको समय देना है इसमें, लेकिन अच्छी तरह से जम्पर लगाना है तभी जाके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ठीक है। लगा लिया, अब क्या करेंगे, इस जम्पर बार को यहाँ से हटा देंगे। हम लोग चेक कर लेंगे यह वायर जो है सही से लगी है कि नहीं। जी हाँ, सही से लग गई है। अब हम लोग रुई मतलब कॉटन की मदद से उस पॉइंट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जम्पर लगाए हैं, ठीक है, देख सकते हैं इसे जम्पर लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग बैटरी को जैसे ओपन किए थे उसी तरह से वापस फिर से इसे पैक कर देंगे, ठीक है। पैक कर दिए, अब हम लोग वापस इसको फ़ोन में लगा दिए हैं। थोड़ा सा इसे मैं पेस्ट दे के चिपका दे रहा हूँ बैटरी को। अभी देखो ये मैंने स्टार्ट किया, अब चार्ज लगा के स्टार्ट किया, देखिए चार्ज भी पकड़ लिया, पहले चार्ज नहीं पकड़ रहा था।
चलिए जब तक ये चार्ज होता है तब तक मैं इस फ़ोन को फिट कर लेता हूँ। फटाफट इस फ़ोन को हम लोग फिट कर लेते हैं, अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। तो सारे स्क्रू को मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट हम लोग लगा रहे हैं ताकि इसका पीछे का ढक्कन जो है वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। एक दो स्क्रू और मैं लगा दे रहा हूँ। इस फ़ोन में स्क्रू बहुत ही कम लगे हुए थे, ठीक है। अब इसे मैं इस तरह से रबड़ की मदद से इसे बांध दे रहा हूँ ताकि यह अच्छी तरह से पकड़ ले। अब देखिए यहाँ पर चार्ज हो रहा है, मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यह ऑन हो रहा है कि नहीं। तो अब ये फ़ोन वो ऑन हो रहा है, जब तक ये ऑन होता तब तक हम लोग वेट करेंगे। देखिए चार्ज भी पकड़ लिया, पहले चार्जिंग नहीं दिखा रहा था, अब चार्ज भी हो रहा है। बैटरी 1% चार्ज है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा चार्जिंग खोलकर कि यह फ़ोन बंद हो रही कि नहीं। देखिए फ़ोन चालू हो गई है, ठीक है। इसका टच डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, टच का प्रॉब्लम हम लोग नहीं बनाए हैं, हम लोग जो है चार्जिंग बनाए हैं, तो चार्जिंग पर ध्यान देंगे चार्जिंग हो रही है कि नहीं। अब हम लोग चार्जिंग कनेक्शन खोल के भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए चार्जिंग कनेक्शन खोल दिए, फिर भी यह फ़ोन चल रही है, बंद नहीं हुई। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।